नमस्कार, बीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा फिर से एक बार विवादों में है। ये विवाद इलाज के दौरान उनकी ली गई एक फोटो से जुड़ा हुआ है। वहीं मुमरा पुलिस के अधिकारी सवालों के घेरे में आ गए हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने एक व्यापारी के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान उसके घर से 30 करोड़ रुपए मिले थे, इसमें से 6 करोड़ पुलिस ने हड़प लिए हैं। इसी बीच राजद्रोह के एक मामले में किरकिरी करा चुकी सरकार के लिए राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा राजद्रोह दर्ज कराना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि इसे पार्टी में ही विद्रोह की बू आ रही है। तो उधर ईडी ने कहा है कि अनिल देशमुख मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया खुद को एक महात्मा बताते हैं, जो महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। हालांकि इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी खुद किरीट सोमैया हैं। मैंने बीते 2 दिनों से सोमैया के एनजीओ युवक प्रतिष्ठान के बैंक खातों की जानकारी निकाली है, जिससे ये पता चलता है कि उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आए हैं। एनजीओ को पैसा देने वाली जो 150 से ज्यादा कंपनियां हैं, इनमें से कई ऐसी भी हैं जो संदिग्ध है और जिनकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। इन पर रेड भी हुई है। राउत ने सवाल उठाया कि आखिर किरीट सोमैया के एनजीओ को डोनेशन देने का क्या मतलब है। राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मेट्रो डेयरी कंपनी ने किरीट सोमैया को लाखों रुपए का डोनेशन दिया है। इस कंपनी पर ईडी की रेड हुई है। अहम बात यह है कि किरीट सोमैया के एनजीओ में आए हुए पैसे संदिग्ध कंपनियों द्वारा भेजे गए हैं। ऐसे में ये पूरा ट्रांजेक्शन ही शक के दायरे में है। मेरी एनआईए और ईडी से गुजारिश है कि वो इस मामले में सुमोटो लेते हुए अपनी जांच शुरू करे। किरीट सोमैया कहते हैं कि कागज दिखाओ, अब मैं कागज लेकर आया हूँ। किरीट सोमैया और इन लोगों के क्या संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। राउत ने कहा कि किरीट सोमैया का जो नकाब है वो अब उतर चुका है। वो कहते हैं कि मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा रही है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या सिर्फ उनके परिवार की प्रतिष्ठा है, बाकी किसी की कोई इज्जत नहीं है? क्या वो आरोप लगाने के पहले सोचते हैं? अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा एक विवाद से बाहर निकलती है कि दूसरा उनके इंतजार में खड़ा रहता है। हनुमान चालीसा विवाद मामले में जेल से रिहा होने के बाद नवनीत राणा मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई थी। इलाज के दौरान उन्हें एमआरआई कक्ष में ले जाया गया था। वहां की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अब उस फोटो की वजह से भी नवनीत राणा फिर से विवादों में घिर चुकी हैं। हालांकि इस मामले में नवनीत राणा सीधी शामिल नहीं है, लेकिन उनकी इस तस्वीर की वजह से अब लीलावती अस्पताल की मुश्किलें बढ़ गई है। शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे ने इस मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। मनीषा कायंदे का कहना है कि लीलावती अस्पताल में मरीज की प्राइवेसी लीक हुई है, ये काफी गंभीर बात है। शिवसेना के तल्ख तेवरों को देखते हुए लीलावती अस्पताल के सीईओ एस रविशंकर ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि ये हमारी गलती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद राणा के पेट और रीढ़ की हड्डी 2 अलग-अलग दिनों में 2 बार एमआरआई की गई थी। एक एमआरआई 6 तारीख की रात को और दूसरी 7 तारीख की सुबह। इस दौरान सांसद का सचिव या कोई कार्यकर्ता एमआरआई केंद्र में प्रवेश करने में कामयाब हो गया और स्कैनिंग के लिए जाने के दौरान जानबूझकर कुछ तस्वीरें ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवसेना ने अब इस मामले में स्पष्टीकरण मांगी है, जिसके चलते नवनीत राणा फिर फंसती नजर आ रही है। मुमरा पुलिस के अधिकारी सवालों के घेरे में आ गए हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने एक व्यापारी के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान उसके घर से 30 करोड़ मिले थे, इसमें से 6 करोड़ पुलिस ने हड़प लिए। पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने शिकायत मिलने और जांच शुरू होने की बात कही है। मामले में सीनियर पीआई सहित अन्य अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। अभी तक किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के बाद से अपराध शाखा के पीआई सिक लीव पर चले गए हैं। व्यापारी ने 25 अप्रैल को मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त और राज्य के गृह मंत्री को पत्र लिखकर की थी। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। करीब 1 माह पहले हुई घटना सामने आने से थाने पुलिस पर सवाल या निशान लगा है। शिकायत के अनुसार मुमरा के बॉम्बे कॉलोनी निवासी खिलौने के व्यवसायी के घर पर 12 अप्रैल 2022 की रात 12:30 बजे मुमरा पुलिस की अपराध शाखा के पीआई की अगुवाई में पुलिस टीम ने 3 निजी व्यक्तियों के साथ छापा मारा था। व्यवसायी के घर में 30 करोड़ रुपए रखे होने की खबर पुलिस को लगी थी। खोजबीन में पुलिस ने खिलौने के 30 डब्बों में रखे 30 करोड़ जब्त किए थे और पुलिस टीम बरामद राशि को लेकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस से हुई बातचीत में 2 करोड़ रुपए पर मामले को रफा दफा करने की बात निश्चित हुई थी। आरोप है कि जब पुलिस ने व्यवसायी को नकदी वापस दी तो उसमें से 6 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। व्यवसायी ने जब पुलिस से 6 करोड़ कम देने के बारे में पूछा तो उसे वहां से भगा दिया गया। व्यवसायी ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज करने की मांग की है।
हनुमान चालीसा को लेकर राज ठाकरे ने जो मुहिम शुरू की है उसके निशाने पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही महाविकास आघाड़ी की गठबंधन सरकार है। यह मुहिम बीजेपी के इंटरेस्ट को भी सपोर्ट और सूट भी कर रही है। अचानक सांसद नवनीत राणा ने फिल्म स्टाइल में इसे हाईजैक ही कर लिया है। ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का जाप करेगी। वास्तव में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को ये उनकी ताकत, जिसके पास अभी सत्ता भी है, को चैलेंज करने वाला लगा। ज्यादा गुस्सा इसीलिए भी क्योंकि नवनीत राणा की जुबान से वो बीजेपी के शब्द सुन रहे थे। कंगना रनौत के मामले में तो जैसे खून का घूंट पी कर रह गए थे। इसलिए मुंबई पुलिस ने आव दिखाना ताव, घर में घुसकर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को उठा लिया और आरोपों में देशद्रोह की धारा जोड़कर जेल में भेज दिया। उधर राज ठाकरे ने पैंतरा बदला और कहा कि अभियान चलता रहेगा। देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को लेकर राज ठाकरे भले ही संयम बरत रहे हो, लेकिन शरद पवार को लेकर जो कुछ भी कहे जा रहे हैं वो बैकफायर कर सकता है। ये संकेत महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के बयान से लग रहा है। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर राज ठाकरे के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाए जाने का अनुरोध भी किया गया है। राजद्रोह के एक मामले में किरकिरी करा चुकी सरकार के लिए दूसरा राजद्रोह दर्ज कराना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पार्टी में ही विद्रोह की बू आ रही है। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका का विरोध किया जिसमें उन्होंने एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति मांगी थी। ईडी ने कहा कि अनिल देशमुख मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में इसी तरह का इलाज करा सकते हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यहां के एक विशेष अदालत के समक्ष अपना हलफनामा पेश किया। ईडी ने कहा कि जेजे अस्पताल जहां अनिल देशमुख का इलाज किया गया था, वहां के डॉक्टरों ने उनके कंधे की सर्जरी का सुझाव दिया, लेकिन आपात स्थिति में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ईडी ने दावा किया कि जेजे अस्पताल में डॉक्टर सर्जरी करने के लिए योग्य है और इसीलिए अनिल देशमुख को एक निजी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अनिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने तर्क दिया है कि अस्पताल और अपनी पसंद के डॉक्टर से इलाज कराना मंत्री का अधिकार है। ईडी द्वारा पिछले नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद से अनिल देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी के हलफनामे में कहा गया है कि एजेंसी ने जेजे अस्पताल डॉक्टरों से पूछताछ की थी, जहां अनिल देशमुख को कंधे में दर्द के लिए भर्ती कराया गया था। ईडी के अनुसार अनिल देशमुख का मामला आपातकालीन सर्जरी नहीं था। ईडी ने कहा कि डॉक्टर अंकित मार्फतिया, विशेषज्ञ ऑर्थोस्कोपी सर्जन और जेजे अस्पताल के सहायक प्रोफेसर ने आवेदक देशमुख के समान 30-35 कंधे से संबंधित सर्जरी की है और उन्होंने ऑर्थोस्कोपी सर्जरी में अपनी विशेषज्ञता भी की है। ईडी ने कहा कि अनिल देशमुख को निजी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है और वो जेजे अस्पताल में ही इलाज करा सकते हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का विरोध जारी है। तो एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली में कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसका नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग की, वहीं वाराणसी की ज्ञानव्यापी परिसर की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह का सर्वे कराने की प्रार्थना अदालत से की गई है। इसके अलावा दुखद खबर यह है कि मशहूर सितार वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। उधर राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने कहा है कि नई दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़काने के लिए टेरर फंडिंग के मामले की जांच में कई चौंकाने वाले मामले सामने आ सकते हैं। इसी बीच ताजमहल को लेकर उठे विवाद मामले में अधिवक्ताओं के हड़ताल के चलते हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई नहीं हो सकी। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का विरोध जारी है। विरोध के क्रम में भाजपा सांसद गोंडा समेत आसपास के जनपदों के दौरे कर रहे हैं और लोगों से जनसमर्थन मांग रहे हैं। इसे लेकर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बिहार, झारखंड और दिल्ली का भी दौरा करने वाले हैं। इसी क्रम में आज भाजपा सांसद संतों के साथ बैठकर आंदोलन को नई दिशा दशा दे रहे हैं। नंदिनी नगर महाविद्यालय में भाजपा सांसद संतों के साथ उनकी बैठक जारी है। भाजपा सांसद ने राज ठाकरे पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि राज ठाकरे हिंदू नेता नहीं, खलनायक है। राज ठाकरे अब माफी भी मांग ले तो उनको तारीख ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि 5 जून को अयोध्या संतों राम भक्तों के लिए बुक है। भाजपा सांसद का कहना है कि उनको सभी दलों का समर्थन मिल रहा है और पार्टी से ऊपर उठकर यह आंदोलन बन चुका है। उनका यह आंदोलन और राज ठाकरे का विरोध उत्तर भारतीयों का आंदोलन है और जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांग लेते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। अयोध्या सबकी है, भारत सबका है और राम भी सबके हैं, लेकिन राम के वंशज का अपमान करने वालों को अयोध्या में जगह नहीं है। भाजपा सांसद का लगातार विरोध चल रहा है और इससे मनसे प्रमुख की मुश्किलें बढ़ गई है, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा मनसे के साथ और अयोध्या में मनसे का विरोध, इसका अर्थ क्या है। आज फिर दो स्थानों पर हिंदू धर्म मतावलंबी मुखर हुए।
राजधानी दिल्ली में कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों ने आज ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा पाठ किया और इसका नाम कुतुब मीनार से बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की। उनका दावा है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है। इस मीनार का निर्माण जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया था। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस द्वारा कुतुब मीनार परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वहीं कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देने को लेकर दिल्ली पुलिस ने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल को हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो उधर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तर्ज पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह का सर्वे कराने की प्रार्थना अदालत से की गई है। ठाकुर केशव देव जी आदि बनाम शाही ईदगाह मामले में वाद दायर करने वाले महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है। इसके साथ वाराणसी के संबंध में अदालत के आदेश की प्रति भी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि इस अर्जी की 1 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने पहले ही एक याचिका दायर की हुई है जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 जमीन से ईदगाह के अवैध कब्जे हटाने का अनुरोध किया गया है। मशहूर सितार वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। वह 84 साल के थे। शिव कुमार शर्मा का जन्म जम्मू में हुआ था। उन्होंने संतूर की लोकप्रियता को घर घर पहुंचाया था। पंडित शर्मा ने संतूर में बड़ी पहचान बनाई थी। खबरों के अनुसार शिव कुमार शर्मा का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित शिव कुमार शर्मा को श्रद्धांजलि दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिव कुमार शर्मा पिछले कुछ महीने से किडनी से जुड़ी समस्याओं से भी परेशान थे और उनका 6 महीने से डायलिसिस चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन से हमारी संस्कृति की दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने संतूर को वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को लगातार सिखाती रहेगी। जम्मू कश्मीर में जन्मे शर्मा ने संतूर को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने संतूर को सितार और सरोद जैसे शास्त्रीय वादों की तरह लोकप्रिय बनाया। शिव कुमार शर्मा ने बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर फिल्म सिलसिला, लम्हे और चांदनी जैसे मशहूर फिल्मों का म्यूजिक दिया था। पंडित शिव कुमार शर्मा 1985 में बाल्टीमोर USA शहर की मानद नागरिकता, 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने 1956 में शांताराम की फिल्म झनक झनक पायल बाजे के एक दृश्य के लिए पृष्ठभूमि संगीत की रचना की तथा 1960 में अपना पहला एकल एल्बम रिकॉर्ड किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि नई दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़काने के लिए टेरर फंडिंग के मामले की जांच कर रही है। NIA ने कल दाऊद इब्राहिम गिरोह से कथित रूप से जुड़े मुंबई और मीरा रोड परिसर में कई ठिकानों पर तलाशी ली थी। UAPA के तहत गिरफ्तार दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर द्वारा कथित खुलासे के बाद सुबह छापेमारी शुरू हुई। NIA ने कहा कि मुंबई में 24 स्थानों और आसपास के मीरा रोड भयंदर आयुक्तालय में 5 स्थानों पर तलाशी ली गई। पूछताछ में दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर के बेटे और दाऊद के सहयोगी छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट शामिल थे। NIA के मुताबिक डी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क में दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों हाजी अनिस, छोटा शकील, जावेद पटेल और टाइगर मेमन से जुड़े आतंकवादी शामिल है। हथियारों की तस्करी, नार्को आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, नकली करेंसी का प्रचलन और आतंकी फंड जुटाने के लिए प्रमुख संपत्तियों के अनाधिकृत कब्जे और लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलकायदा सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग की जांच की जा रही है। NIA ने दावा किया है कि कल दाऊद इब्राहिम के संदिग्ध सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अचल संपत्ति में निवेश के दस्तावेज, नकदी और आग्नेयास्त्रों सहित विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। ताजमहल को लेकर उठे विवाद मामले में अधिवक्ताओं ने हड़ताल के चलते हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होने की संभावना है। याचिका को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। याचिका में ताजमहल के इतिहास और इसके 22 कमरों को खोलने के बारे में तथ्यान्वेषी जांच का अनुरोध किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में 7 मई को एक रिट याचिका दायर कर ताजमहल के इतिहास के सच को सामने लाने के मकसद से तथ्यान्वेषी जांच के लिए एक कमेटी के गठन का अनुरोध किया गया। भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह के वकीलों
राम प्रकाश शुक्ला और रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर याचिका में इतिहास को स्पष्ट करने के लिए ताजमहल के 22 बंद कमरों को भी खोलने का अनुरोध किया गया है। याचिका में 1951 और 1958 में बने उन कानूनों को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध घोषित करने का अनुरोध किया गया है, जिनके तहत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का किला और आगरा के लाल किले आदि इमारतों को ऐतिहासिक इमारत घोषित किया गया था। इसमें केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में उन मान्यताओं का जिक्र किया गया है जिसमें ताजमहल के इन्हीं बंद दरवाजों के भीतर भगवान शिव का मंदिर होने का दावा किया जाता है। पाकिस्तान को परेशान करने वाली खबर आ रही है। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सरकार को खुली धमकी दे दी है, अगर उनके 300 अरब रुपए नहीं चुकाए गए तो वह पाकिस्तान की बत्ती गुल कर देगी। तो अपने नेपाल के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मई को लुम्बिनी के नवनिर्मित एयरपोर्ट पर न उतरकर भारत के कुशीनगर में बने नए एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसे लेकर चिंतित है। इसी बीच जापान पूर्वी चीन सागर में सशस्त्र संघर्ष के लिए कमर कस रहा है, तो उधर यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच ब्रिटेन की शाही नौसेना ने अपनी अरबों डॉलर की महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी का अनावरण किया है। दुनिया भर की इन पांच और खास पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सरकार को खुली धमकी दी है कि अगर उनके पास 300 अरब रुपए नहीं चुकाए गए तो वे पाकिस्तान की बत्ती गुल कर देंगी। पाकिस्तान में काम कर रही दो दर्जन से अधिक चीनी फर्मों ने कहा है कि उन्हें इस महीने अपने बिजली संयंत्रों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन चीनी कंपनियों का पाकिस्तान पर 300 अरब रुपए से अधिक का बकाया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनका भुगतान अग्रिम तौर पर नहीं किया जाता है वे बिजली संयंत्रों को बंद कर देंगे। 30 चीनी कंपनियां बहु अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पाकिस्तान में काम करती है और पाकिस्तान के ऊर्जा, संचार, रेलवे सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में इनका दबदबा है। चीनी कंपनियों के साथ पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये विषय उठा तो पाकिस्तान के पास इसका जवाब नहीं था। चीनी अधिकारियों ने इस बैठक में जटिल वीजा प्रक्रियाओं, टैक्स आदि से संबंधित कई शिकायतें पाकिस्तानी मंत्री के सामने रखी थी। पाक अधिकारियों ने चीनी कंपनियों से गर्मी की चरम जरूरतों को देखते हुए उत्पादन को अधिकतम करने के लिए दबाव बनाया। इस पर चीनी कंपनियों ने कहा कि हमारे लिए यह असंभव है। कुछ कंपनियों ने कहा कि पहले से आपूर्ति की जा चुकी बिजली का भुगतान अभी तक नहीं मिला है और वे कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से बदहाल हो चुके हैं। इसके अलावा टैक्स अधिकारियों ने भी उन पर उच्च दरों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को लुम्बिनी नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दिन नेपाल के पीएम शेर बहादुर लुम्बिनी में चीन द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि पीएम मोदी लुम्बिनी के इस एयरपोर्ट पर न उतरकर भारत के कुशीनगर में नए बने एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी में बनाए गए स्पेशल हेलीपैड पर उतरेंगे। यह मोदी और देववा लुम्बिनी क्षेत्र में भारतीय सहायता से बनने वाले विहार की आधारशिला रखेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि पीएम मोदी लुम्बिनी एयरपोर्ट पर इसलिए नहीं उतरना चाहते हैं क्योंकि इसे चीन ने तैयार किया है। लुम्बिनी में चीनी सहयोग से बना गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 10 साल में करीब 40 बिलियन की लागत से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। टॉप नेपाली अधिकारियों ने बताया है कि हमें यह जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर 16 मई को चीन से एक प्रतिनिधिमंडल आने को है। ऐसे में भारत उस दिन लुम्बिनी एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा है। बता दें कि गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रिपोर्ट्स बताती है कि बुद्ध सर्किट को प्रमोट करने के लिए भारत और नेपाल सही मायने में कभी भी एक साथ नहीं आ सके हैं। अप्रैल में जब नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भारत आए थे तो उन्होंने लुम्बिनी स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन में भारत से मदद की अपील की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास यूक्रेन युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह इसे लेकर चिंतित है। बाइडेन ने कहा कि वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे लेकर क्या करना है। पुतिन को गलती से यह विश्वास हो गया था कि यूक्रेन पर आक्रमण उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और यूरोपीय संघ को तोड़ देगा। इसके बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का मजबूती से साथ दिया। मार्च में यूक्रेन के मजबूत प्रतिरोध से रूस अपने मकसद से पिछड़ा दिखा है।
बाइडेन ने कहा कि पुतिन बहुत ही गणना करने वाले व्यक्ति है। अब उन्हें जिस समस्या की चिंता है वह यह है कि रूसी नेता के पास अभी कोई रास्ता नहीं है और मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसे लेकर क्या कर सकते हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन में युद्ध अपराध व अत्याचार कर रही है और आम लोगों को संकट व अनावश्यक विनाश का सामना करना पड़ रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिका इस महत्वपूर्ण क्षण में यूक्रेन को सुरक्षा, आर्थिक और मानवीय सहायता के संदर्भ में समर्थन प्रदान करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। साकी ने कहा कि विजय दिवस यूरोप में शांति और एकता का जश्न मनाने और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों की हार का प्रतीक माना जाता है। इसके बजाय पुतिन इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि वह अकारण और अनुचित युद्ध को सही ठहराने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों के जीवन में भयावह क्षति और भारी मानवीय पीड़ा लेकर आया है। जापान पूर्वी चीन सागर में सशस्त्र संघर्ष के लिए कमर कस रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान अपनी तैयारियों को इसलिए भी पुख्ता कर रहा है क्योंकि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनजर ताइवान पर चीन के आक्रमण की संभावना बढ़ रही है। सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद चीन ने प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। चीन और सोलोमन ने हाल ही में पुष्टि की है कि उन्होंने एक अलग सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई तट से 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर चीनी नौसैनिक अड्डा बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान ने अपनी ताकत बढ़ाने के उपाय करना शुरू कर दिया है क्योंकि ताइवान संघर्ष भड़कने से उसकी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने सोलोमन द्वीप समूह को लुभाया है और निवेश व टूरिस्ट विजिट के आश्वासन के जरिए उससे ताइवान की अपनी मान्यता को खत्म करने के लिए मजबूर किया। यही नहीं, इसने चीन को देश की पूर्वी सीमा से लगभग 2000 किलोमीटर दूर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति भी दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन पापुआ न्यू गिनी, वानुअतु और किरीबाती जैसे अन्य द्वीप राष्ट्रों को लुभाने के लिए इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा चीन ताइवान के सहयोगी मार्शल द्वीप, नाउरू और तुवालू को भी अपने पक्ष में करने के लिए काम कर रहा है। चीन की इस रणनीति ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर दिया है। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच ब्रिटेन की शाही नौसेना ने अपनी अरबों डॉलर की महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी का अनावरण किया है। ड्रेडनॉट क्लास की यह पनडुब्बी ब्रिटेन को रूसी परमाणु हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई में मदद करेगी। यह ड्रेडनॉट पनडुब्बी ब्रिटेन की नौसेना में अब तक शामिल हुई सभी पनडुब्बियों में से सबसे बड़ी होगी। यह लंबाई में ओलंपिक के 3 स्विमिंग पूल के बराबर होगी। इससे पहले रूस की सरकारी मीडिया ने ब्रिटेन को परमाणु हमले की चेतावनी दी थी। ब्रिटेन के हथियारों की आपूर्ति के मंत्री जर्मी क्वीन ने कहा कि ड्रेडनॉट क्लास की पनडुब्बी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण होगी। परमाणु प्रतिरोध क्षमता के साथ ब्रिटेन के प्रत्येक नागरिक की हर मिनट आ रहे बड़े खतरों से सुरक्षा की जा सकेगी। इस परमाणु पनडुब्बी को ब्रिटेन में डिजाइन किया जाएगा और यहीं पर बनाया भी जाएगा। यह पनडुब्बी ब्रिटिश नौसेना की अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी होगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह पनडुब्बी अब तक बने सबसे जटिल हथियारों में से एक होगी। ये पनडुब्बी यह धरती के सबसे खतरनाक माहौल में काम करेगी। सभी पनडुब्बियों में 42 किलोमीटर लंबी पाइप डाली जाएगी। इसके अलावा इसमें 20,000 केबल डाली जाएगी जिसकी लंबाई 346 किलोमीटर होगी। इस पनडुब्बी को ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम और रोल्स रॉयल्स मिलकर बनाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 10 अरब पाउंड का खर्च आएगा। ब्रिटेन ने यह सबमरीन बनाने का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब रूस के साथ उसका तनाव चरम पर है। ब्रिटेन यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार दे रहा है जिससे रूस भड़का हुआ है। रूस के सरकारी मीडिया ने तो ब्रिटेन में परमाणु सुनामी लाने की धमकी दी है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।